खबरों में आगे बात करते हैं फरुखाबाद की, जहां पर गृह कलेश के चलते पति पत्नी में झगड़ा हुआ है। शराबी पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया है। पति ने पत्नी के सिर पर किया है वार। पति के हमले से पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई। सीएससी में भर्ती करने पर डॉक्टरों ने किया है मृत घोषित। थाना कमालगंज क्षेत्र के बसा नगला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पति ने अपनी पत्नी पर वार किया है, जिसके बाद घायल अवस्था में जब पीड़िता को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, तो इस दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। गृह कलेश के चलते पति पत्नी में झगड़ा हुआ था, जहां शराब के नशे में पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। तो फरुखाबाद का यह पूरा मामला है, जहां पर गृह कलेश के चलते पति पत्नी में झगड़ा हुआ और आखिरकार यह झगड़ा इस कदर बढ़ा कि नशे में धुत एक पति ने अपनी पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान पत्नी पर कई वार भी किए, जिस वजह से गंभीर रूप से घायल हुई पत्नी की मौत हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार फोनलाइन पर मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। अमित, परिवार में जिस तरीके से झगड़ा हुआ, आखिरकार उसके बाद में पति पत्नी के झगड़े के बीच में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है, आखिरकार पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई इस मामले को लेकर? क्षेत्र के बसा नगला गांव का मामला है। यहाँ पर जो शराबी पति, उसने जो है अपनी पत्नी के साथ जबरदस्त मारपीट की है और लकड़ी की फंटिस कई उसने सर पे बार किए। बार करने के बाद जो घायल अवस्था में सीएससी कमालगंज लाया गया है, वहाँ पे जो तैनात डॉक्टर मान सिंह ने उसको मृत घोषित कर दिया। वही आनंद फानंद में कमालगंज थाना अध्यक्ष राजेश राय ने पुलिस बल के साथ में वहां पर पहुंचकर जो है उसके पति को हिरासत में लिया है, जिससे हत्या की गई पत्नी की, वो लकड़ी की फंटी भी बरामद की गई। जी अमित, अगर इस दौरान बात की जाए, क्या इससे पहले भी पीड़िता की तरफ से कुछ बयान पुलिस में दिए गए या कोई मामला दर्ज कराया गया था? जब हम लोग वहां पर पहुंचे, जानकारी जो मिल रही है वहां पे जो है ये शराबी पति है, उसके कई बार उसे प्रताड़ित करता था, मारपीट करता था, लेकिन कल अत्यधिक नशे में होने के कारण इसने जो है पत्नी का जबरदस्त मारपीट की और फंटी से जो सर पे जो प्रहार किया उसमें उसकी मौत हो गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।